बात मुनाजरे से, अगर मुनाजरे तक बात रहती तो शायद हम उसको भी कबूल कर रहे थे, लेकिन बात मुनाजरे से आगे बढ़ गई। अब जलाली साहब, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ। मैं इस हफ्ते लंदन वापस जाना चाह रहा था, लेकिन आपके लिए मैं आज से ठीक एक महीना अपनी तारीख को आगे बढ़ाता हूँ। आज से ठीक एक महीना अपनी तारीख को आगे बढ़ाता हूँ। और बात मुनाजरे शुनाजरे की नहीं, तारीख का तयन आप कर लें, तारीख का तयन आप कर लें, वक्त का तयन आप कर लें, जगह का तयन मैं बता देता हूँ। आस्थाना आलिया हजरत अमीर मिल्लत सैयदना अपनी जमात अली शाह साहब के आस्थाने पे आप भी आ जाए, वकील भी वहां मौजूद होगा। आज उम्मत किस परेशानी की हालत में है, मतलब जलाली साहब का मौत तो ठीक है, ये दूसरे लोगों का मौत तो ठीक है, बात को दूर नहीं देना चाहता, बस इख्तसार से बात यही खत्म करना चाहता हूँ। क्या चैलेंजों से बात आगे बढ़ गई, मुनाजरों मुबारों से बात आगे बढ़ गई, अब जो बिल्कुल मुख्तसर सा फैसला है इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह अजीज दुनिया देख लेगी। एक बाल की तौहीन करना भी काफिर हो जाता है, जे एक बाल की तौहीन कुफरे, जे जिन्हां दी जुत्ती मुबारक की तौहीन कुफरे, उन्हां दे जिगर की तौहीन। के खता मानना तेरे अपने लिए मुश्किल हो रहा है तो तू क्या चीज है? उस पाक बारगाह के मुकाबले में वो आ खता बोल के तू समझता है छोटी सी बात की है, जिसके लिए रब कह रहा है अल्लाह के हाँ ये बड़ी बात है, वह इंद अल्लाह अजीम, अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी बात है। ऐसी बातें मत बोलो, कभी ना बोलो, याइज़ुकुम अल्लाह हो, ये वाज है अल्लाह का, नसीहत है, अंतऊदू लिमिस्ले याबदा, ऐसा कलमा कभी ना बोलना। और आगे क्या लफ्ज है गौर कर रहे हो आप, सो इन कुंतुम मोमिनीन, ऐसी गलती फिर ना करना अगर तुम मोमिन हो। इस अगर ने मसला वैसे ही हल कर दिया। अगर बनेगा हमारा बच्चे, अभी मुनाजरे के नाम ला ले, तेरे लिए आज मैं तजवीज करूंगा कि जाओ खेलो ये लो झुंझुना, अभी तेरे खेलने के दिन है, तुझे क्या पता है मुनाजरा क्या होता है, जा सुन। और उसके रसूल की बारगाह में आप उनके गुलाम, ये जुरत न करना, कर बैठे हो तो वापस आओ, बाजा बाजा हर आचे हस्ती बाजा, कर काफिरो कब्रो बुत परस्ती बाजा, ई दरगाहे मा दरगाहे ना उम्मीदी नेस, सत बार अगर तौबा शकस्ती बाजा 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 बाजा। इलम इलम खेलना हुई ना तो मैच पा लांगे, पर सैयदा दी शान विच पहले तौबा कर। और उस्तादों को आजमाना भी कोई मुश्किल होता है, वो तो फट्टी पर होते हैं बेचारे, जब चाहो आजमा लो। ये ऐसे कौन सी छुपी हुई बात है? हाँ अगर किसी और को भी शक है ना तो मैं फट्टी छोड़ गया था, तो अनु वसद्या वेखण वास्ते फट्टी छड़ गया सा, ते जे हुण इंज ना फिर फट्टी पर भी बैठूंगा, फिर मैं बताऊंगा तुमको कि अब्दुल अजीज मरा नहीं जिंदा है। कि जिस रात अकदस दी कदम अकदस राल, जेड़ी चमड़ा मुबारक दी जुती निरा मस करे, उस जुती नू हल्के सीगे नाल कोई याद करे ते काफिर हो जावे, जिगर दे टुकड़े लो कोई हालत की गल करे तो कुत्ते का पुत्र किवें मुसलमान है। तो वो क्लिप तो काट कर लगाते हो कि हमारे उस्ताद की क्या तारीफ कर रहे हैं, वो भी लगाओ ड्यूटी क्या लगा रहे हैं। और तेनू भेजिया सी लाल खरीदने नू, तू दर बैठा इंग जवैन,
पागला जिन्हां दी इज्जतां दे तहफुज वास्ते तैनू आख्या सी तू उन्हां ते हमला कर बैठे। सैयदा ज़हरा की शानों में भी नया इल्मे कलाम नहीं लिखा जाएगा, वही लिखा जो मोहम्मद रसूल ने लिखा उसी को तस्लीम करेंगे, और कोई लिखने की भी कोशिश करेगा तो उसको इंगलियां मरोड़ के रख देंगे। पाल अदा हसन से बसरा बिलाल अज हबश सुहैब अज रूह बखाके मक्का से बू जहल इंच बिकी दा बू जहल पंद्रह दिन गुजर गए मेरे मोबाइल के चैलेंज को, 15 दिन बाकी है इंशाल्लाह अजीज। 16 तारीख जुलाई की जुमेरात का दिन, वो वक्त पूरा हो रहा जब मैंने 1 महीने का वक्त आपको दिया था। अगर कुत्ते जो है वो सहाबा किराम को भौंके हम उनको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन उसका दरवाजा किसने खोला? उसका दरवाजा जलाली साहब आपने खोला है। तुम्हारे दज्जाली फितने में आखिरी कील जो है वो ये सैयद ठोंके।